स्वामी आपने क्षय उपशम और क्षोभसम ये तीनों जो है वो बहुत सुंदर तरीके से और इसको पुरुषार्थ माना। ये पुरुषार्थ जो है वो आत्मा की शक्ति आप भी मानते हो जैन दर्शन भी। बहुत अच्छी बात, यहां मिलान खा रहे हम, उदय में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए थोड़ा इसमें से एक नया प्रश्न निकला कि उदय और प्रारब्ध में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हर धार्मिक प्रवृत्ति जो की जाती है उसको क्षोभसम की परिभाषा में लिया जाता है और उदय ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसमें नो कंफ्यूजन एट ऑल। धार्मिक प्रवृत्ति को उदीर्ण मानते हैं, प्री मैच्योर्ड हमने इनवाइट किया, हमारे कर्मों को उदय तो चल रहा है लेकिन उदय के अतिरिक्त भी कर्म पड़े हैं उनकी हम उदीर्णा करते हैं। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो संन्यास की साधना है वो मुनि काल की, उसको सारी उदीर्णा माना है, उसको धर्म की परिभाषा को क्षोभसम के अंदर डाला है। जैसे कोई व्यक्ति 28 करता है, 15 की तपस्या करता है, साधु जीवन लेता है, सामायिक करता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्यार कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति करता है वो सारा क्षोभसम धार्मिक आत्मा के पुरुषार्थ के खाते के अंदर डाला है। ये थोड़ा एक जो है अभी इसकी क्लैरिटी और मानी जा थोड़ी बाकी रह गई है, ये भी क्लियरिटी दीजिए। उदय में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो चल रहा है, चलता रहेगा और हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति को क्षोभ सम मानना, आत्मा का पुरुषार्थ मानना, क्या इसको थोड़ा समझना चाहते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, चीज सही है, लेकिन क्योंकि उसको हमने मान लिया कि ये पुरुषार्थ है तो, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति ही क्षोभ सम में आता है। उदय तो कर्मों का अपना काल, ये थोड़ा बड़ा इसको थोड़ा समझाइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों शब्द है और दोनों शब्द का अपना अपनी परिभाषा है। धार्मिक शब्द इसको बोला जाता है जो शास्त्रों में बताए गए क्रियाओं को आप धारण करो, क्रिया के रूप में करो, तभी आपको वो धार्मिक बोला जाता है। और जो आध्यात्मिक है वो मन वचन काय की क्रिया का प्रश्न नहीं है, वो दृष्टि का प्रश्न है। तो धार्मिक क्रिया वो धर्मगुरु हमको पुरुषार्थ बताते हैं, मानते हैं, मनवाते हैं, मगर अगर आध्यात्म विज्ञान या सनातन सत्य के रूप में देखा जाए तो मन वचन काय से किया हुआ कोई भी तप जप पूजा पाठ माला गिनना संसार को त्याग करना व्रत जप तप करना उपवास करना संसार को छोड़ देना ये सब क्रिया धर्म में तो तप बताया है, मगर ये तप उदय कर्म के अधीन है, ये पुरुषार्थ नहीं है। मगर इसको पुरुषार्थ माना गया है, मानते हैं, क्योंकि अज्ञानता से हम यही मानते हैं कि ये मैंने किया, पूजा मैंने किया, तप मैंने किया, दान मैंने दिया, संसार को त्याग मैंने किया, यानी कोई भी शुभ या धार्मिक प्रवृत्ति मैंने किया, तो मैंने किया वो अज्ञान पुरुषार्थ है, क्रिया पुरुषार्थ हो नहीं सकती। वंस अगेन वी प्रेजेंट द सेम प्रिंसिपल, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और कुदरती रचना का मतलब होता है कर्म फल। इसमें हमारे पास फ्रीडम नहीं है, मगर ज्ञान और अज्ञान को जोड़ना क्रिया के साथ वो हमारा पुरुषार्थ है। तो मैं अज्ञान को जोड़ दिया कि मैंने किया धर्म को या धार्मिक कोई भी क्रिया को, तो फिर वो पुरुषार्थ हो गया और इसका आपको पुण्य फल मिलेगा, मगर वो अज्ञान पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? अज्ञान। सही पुरुषार्थ या तो मुक्ति का पुरुषार्थ या तो आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो अज्ञान का पुरुषार्थ है। और वो अज्ञान के पुरुषार्थ हमको, क्योंकि शुभ क्रिया
है उस काम करता है तो पुण्य बनेगा और पुण्य से हमको सुविधा मिलेगी। वास्तव में हमको यह बात जानना पड़ेगा कि सच्चा पुरुषार्थ क्या है। क्या हम शुभ क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे, शुभ वाणी को पुरुषार्थ मानेंगे, शुभ विचारों को पुरुषार्थ मानेंगे? अज्ञान ये मानोगे तो तुझे अज्ञान है, क्योंकि जो विचार आएंगे वो मन से आएंगे। अगर शुभ भक्ति करोगे जबान से करोगे, शुभ क्रिया करोगे शरीर से करोगे, और ये तीनों तो मन वचन काया जन्म से मौत तक कुदरती कानून के अधीन है, तो फिर उसमें हमारी फ्रीडम तो है नहीं, तो हम इसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? मगर क्योंकि धर्म के अंदर क्रिया का महत्व दिखाया गया है, क्योंकि आज विश्व के सभी धर्म फॉर्मेट बन गए और फॉर्मेट में संप्रदाय में शास्त्रों में धर्मगुरुओं ने जो कुछ भी क्रिया बताई है वो क्रिया करोगे तभी उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे। तो इसीलिए अज्ञान पुरुषार्थ जरूर है, मगर वास्तव में वो सही पुरुषार्थ नहीं है, खाली मान्यता का पुरुषार्थ है। आप समझो महावीर के ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई सारे व्यक्तियों का जीवन बदल गया, कई सारे लोगों ने संयम लिया और कई सारे लोग मोक्ष में गए, फिर भी महावीर को पुण्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उदय कर्म था। मगर महावीर कहेगा मेरे हिसाब से आपका कल्याण हुआ, आपको केवल ज्ञान हुआ, आपने दीक्षा लिया, तो महावीर को पुण्य बनेगा। मगर पुण्य भुगतान के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, आप समझे। तो वितराग पुरुषों को अज्ञान नहीं होता है, जो भी होता है वो उदय कर्म मानते हैं। तो इसीलिए उदय कर्म मानना, कोई भी मनोचन काय की क्रिया को उदय कर्म मानना वो सनातन सत्य है, और पुरुषार्थ मानना वो व्यवहार सत्य है, और व्यवहार सत्य से पाप पुण्य लगेगा, सनातन सत्य से पाप भी नहीं लगेगा पुण्य भी नहीं लगेगा, वही मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति के मार्ग में यही कहते हैं कि कोई भी धार्मिक क्रिया है उसमें आध्यात्म विज्ञान इसको मना नहीं करते हैं कि आप ये धार्मिक क्रिया नहीं करो, आपके उदर में जो भी है करते रहो, तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, आरती करो, उपवास करो, दान पुण्य करो, हो सके तो शादी भी कर सकते हैं, त्याग भी ले सकते हैं, कुछ भी करो, समाज के कल्याण के लिए भी कुछ कर सकते हैं, खुद के कल्याण के लिए भी धार्मिक क्रिया कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये समझो जो मन वचन काया से होता है वो 100% उदय कर्म ही है, ये विज्ञान है। अगर इसको कहूंगे कि मन वचन काया से जो अच्छी क्रिया होती है वो पुरुषार्थ है तो फिर वो धार्मिक बन गया। मगर वो धार्मिक क्यों बन गया? क्योंकि वो अज्ञान है, अज्ञान से कर्म बना और कर्म से कर्म का फल भी मिलेगा। तो हमको अगर संसार से मुक्ति पाना है तो इस दुनिया का सनातन सत्य, सैद्धांतिक सत्य, कुदरत का कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ समझना पड़ेगा, जिस यूनिवर्सल ट्रूथ से ही हम मुक्ति पा सकते हैं।